हेलो दोस्तों, मैं मयूर तुर्केश्वर, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी डायरेक्ट पे। दोस्तों आज जो है यानी कि सोमवार यानी कि 10 तारीख है और आज जो है हमारा अप्रेंटिस का 38वां दिन है। कल का ब्लॉक के हम तो ले नहीं पाए क्योंकि कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। कल के दिन भर जो है स्टडी ही चली क्योंकि उतना कुछ हम बाहर फिरने गए नहीं तो ब्लॉग उतना कुछ बना नहीं। दोस्तों उसके लिए अगली बार के नेक्स्ट वीडियो में उसकी वीडियो आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों आज जो है हमारा यानी कि जो आज का दिन जो है सवेरे अभी 5:30 बजे उठ गए हैं और जो दिवाली की जो साफ़ सफाई होती है उसी की तैयारी में लगे हुए दोस्तों। तो दिवाली की साफ़ सफाई में लगे हुए दोस्तों बार बार जितना भी सब कुछ सामान है, किचन आज सिर्फ किचन हो रही है दोस्तों। तो किचन के इससे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किचन जो है पूरी खाली हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ यहाँ के जो बर्तन बाकी है, लीजाना बाकी है, बाकी सब कुछ सामान जो है दोस्तों यहाँ पे निकाल के हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो धोने के बर्तन वगैरह दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ काम चालू है और अभी चलते ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चिल्लर सामान होता है यानी कि जो भी छोटा छोटा सामान होता है सब कुछ ले जा रहे हैं। तो बड़ा बड़ा सामान जैसे कि आप देख पा रही हैं यहाँ पे ले जाके हो चुका है। ये सभी बर्तन जो है धोने के दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जितना भी सामान है यहाँ पे सुखाया जा रहा है, यहाँ पे सभी बर्तन धोने के लिए निकाले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक साड़ी बिछाई गई है जहाँ पे सामान जो है यहाँ पे सुखाया जा रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर भी, यहाँ पे भी सामान सुखाना चालू है दिवाली की साफ़ सफाई की। और ये सब सुबह के तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफ़ी बहुत ही माहौल यानी कि बहुत ज़बरदस्त माहौल दिख रहा है यहाँ पे। जितने भी ये है वाड़ा, वाड़ा बोलते हैं ये गजबी वाड़ा हमारे गांव का है जो कि काफ़ी साल पुराना है। सबसे पुराना वाड़ा इस गांव का गांव घर है जहाँ पे पक्षियाँ आज भी जो है यहाँ पे उसके आजू बाजू घूमती रहती है। काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बिल्कुल नहा धो के काफ़ी काम हो चुके थे और काफ़ी थकान भी भर चुकी है। उसके बाद दोस्तों 9:30 बजते आ गया था, काम खत्म नहीं होने को ही थे लेकिन मैक्सिमम काम खत्म हो चुके थे किचन का। लेकिन दोस्तों बाद में जो है फिर 9:30 बजे के बाद मुझे ऑफिस जाना पड़ता है अप्रेंटिस, जैसे कि आपको पता ही है। तो दोस्तों उसके लिए मुझे तैयारी करना पड़ा। उसका तैयारी के लिए मुझे सब ब्रश व्रुश करने के बाद, नहा धो करने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गया। और यहाँ पर जो है दोस्तों हम अभी ऑफिस के निकलने वाले थे। तो चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं ऑफिस के इसमें ही। तो फाइनली दोस्तों पूरे घर के कामकाज हो के जो है अभी हम जो है MSCB ऑफिस पहुंच चुके हैं और अभी जो है हम यहाँ से रोज़ की तरह ही पैदल जाना पड़ रहा है। कल तक तो मुझे छोड़ के दिया गया लेकिन दोस्तों अभी जो है यहाँ पे जाना पड़ रहा है पैदल। और आज काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे काम करने पड़े हैं, मम्मी की हेल्प करनी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पे 10:30 बज चुका, मैं खुद काफ़ी लेट हो चुका था घर के कामकाज के साथ साथ। यहाँ पे हमारे जो आकर भैया, जो आउटसोर्सिंग वाले भैया जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, वो भी यहाँ पे जो आपको वीडियो में दिखते रहते वो भी फिलहाल अभी मेरे आते आ गया भैया मुस्कुराती भी। तो हम यहाँ पे ऑफिस में पहुँच चुके हैं और देखिएगा हमारा जो अप्रेंटिस बॉय है ये देखिएगा कितना चिकना हो क्या है। ऐसा लग रहा है कि 10-12 तो लड़कियाँ यूँ ही पड़ जाएंगी, काफ़ी खतरनाक स्माइल करते हुए। अरे दिखने के बाद थोड़े स्माइल से ही पड़ जाएंगे इनकी तो लड़की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रही हैं यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है बाहर से लाया गया था, जिसको उसको किस तरह से चेन के माध्यम से जो है यहाँ पे नीचे उतारा जा रहा है, बहुत ही यानी कि देखभाल करके उतारना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में रीडिंग लेने का सामान है यानी कि रीडिंग लेने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज रीडिंग मैं लेने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पैनल खोल चुका है और ये फीडर मेन फीडर का ही है, ये जो मेन फीडर है वो है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर मीटर में टच करते हैं। सबसे पहले एम्पियर लेना पड़ता है दोस्तों, फिर उसके बाद KWH लेना पड़ता है। दोस्तों यहाँ जब तक KWH आता नहीं तब तक हमें रीडिंग लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं दोस्तों, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैंड ट्रिप लग रही थी, हैंड ट्रिप के लिए यहाँ पे ऑपरेटर ने यहाँ पे अपना AB स्विच ओपन कर दी और यहाँ पे जो AB स्विच ओपन के बाद इस भाई ने अर्थिंग उसको लगा दिया यानी कि अर्थिंग कर दिया। यानी दोस्तों जो भी लीकेज करंट होता है ये अर्थिंग के द्वारा वहाँ पे उसके द्वारा जमीन में चले जाता है और जिससे यहाँ पे जो है अपना इसने AB स्विच वापस से क्लोज कर दिया दोस्तों। जैसे कि देख ही पा रहे अर्थिंग नहीं था, सॉरी गाइस ये अर्थिंग नहीं था तो AB स्विच क्लोज। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है उन्हें बोल रहे हैं कि दूर हमें दूर हो जाइए क्योंकि सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों गाड़ी है ये बाहर से यहाँ पे जो कि थेफ्ट केस के लिए पकड़ने गई थी, जो चोरी करते लाइट की उसके लिए गई थी। पानी काफ़ी आया आज, पानी आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि यह जो हमारा पावर, ये जो पावर सेक्टर है काफ़ी मतलब नज़र लायक है यानी कि बहुत ही सुंदर है पर डेंजरस भी बहुत है। जैसे दिखता अच्छा है उतना ही बहुत ही काफ़ी ख़राब होता है। ये है अपने सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए यहाँ पे वैक्यूम वाले दोस्तों, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जा रहे हैं।
बताया गया और जिसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ा। वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आकत भी आके मैं गया। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो है सबसे पहले मीटर में लाइट नहीं आ रही थी, तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि वायर सर्विस वायर बराबर है या नहीं चेक किए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे डीपी से फ्यूज निकालने चले गए, क्योंकि ऊपर में जो मेन जो सर्विस लाइन थी उसमें थोड़ा फॉल्ट होगा करके हमने यहाँ से फ्यूज निकाल दिया। दोस्तों यहाँ से देखा और यहाँ से फ्यूज निकालते हुए दिखाई दे रहे आपको, तो दोस्तों फ्यूज निकाल देने से सेफ्टी रहती है। और जैसे कि आप देख पाए दोस्तों कोई नहीं कमेंट मार रहा कि बोल पे कैसे चढ़ते, तो इस तरह से चढ़ते दोस्तों, इसकी हम अलग वीडियो लाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सावधानपूर्वक काम करना पड़ता है। हमने जो है मेन स्विच तो गिरा दिए, फ्यूज निकाल दिए दोस्तों, यहाँ पे कोई खतरा नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पे इतने ऊपर ऊंचाई पे चढ़ के काम करना बहुत ही सेफ्टी रहता है। तो दोस्तों बाद में पता चला कि फॉल्ट क्या था, तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के पास से जो जंपर रहता है वो जंपर जो उड़ गया था दोस्तों, जिसके कारण उस घर वाले को कनेक्शन नहीं मिल रहा था और सभी से बेचारा परेशान था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से घर निकल गए, घर से जाते जाते हमने चाय भी इकट्ठा रहा है और ये सब टिकट घर चले गए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते कल के नए ब्लॉग में।